जिला प्रशासन ने मतगणना की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल होने वाली मतगणना कुल 20 राउंड में होगी। अंतिम नतीजा शिवपुरी से घोषित किया जाएगा। काउंटिंग को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। मतगणना की सुरक्षा के लिए 600 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा SP सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पूरे समय कॉलेज परिसर में मौजूद रहेंगे। मतगणना को लेकर पूरे PG कॉलेज परिसर की किलाबंदी की गई है। जिले के सभी थाना प्रभारियों की आज शाम 4 बजे से तैनाती कर दी गई है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप मतगणना के नतीजों को द ग्राउंड रिपोर्टर पर लाइव देख सकेंगे। कलेक्टर भास्कर लक्ष्यकार ने मतगणना से संबंधित तैयारियों का खुलासा कलेक्ट्रेट में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान किया। मतगणना स्थल और कॉलेज रोड की पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। कोई भी बाहरी तत्व इसमें बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर पाएगा। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए 4 गेट तैयार किए गए हैं, जिनसे प्रत्याशी, चुनाव कर्मचारी, मीडिया और प्रत्याशियों के प्रतिनिधि आवाजाही कर सकेंगे। 14 टेबलों पर मतगणना की जाएगी। प्रति टेबल पर एक पर्यवेक्षक सहित कुल 3 लोग मतगणना करेंगे। 5 मशीनों के VVPAT के लोट निकाले जाएंगे। कलेक्टर ने बताया कि मतगणना स्थल पर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने पर मनाही रहेगी। मतगणना के दौरान यातायात में किसी भी तरह का कोई अवरोध पैदा न हो, इसके मद्देनजर यातायात को डाइवर्ट किया गया है। मतगणना शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो, इसका प्रशासन ने पूरा ख्याल रखा है। इन 14 मशीनों के तकरीबन 20 राउंड होंगे। जब 20वां राउंड समाप्त हो चुका होगा, तब 5 मशीनों की VVPAT वाली गणना करी जाएगी। VVPAT की जो गणना है वो एक एक करके सिक्वेंशियली करी जाएगी और उसमें तकरीबन 7-8 घंटे का समय टोटल लगेगा। सबसे पहले गणना होगी मशीनों की सारी गणना निपट जाने के बाद में जो इलेक्शन एजेंट है उनकी उपस्थिति में लॉट निकाला जाएगा। 5 केंद्रों का लॉट निकाला जाएगा। उन लॉट की मशीनों की VVPAT की गणना उसके द्वारा करी जाएगी। एक जो एंट्री पोर्टल पर कर रहे हैं, प्रक्रिया आपको समझा देता हूँ। जैसे ही टेबल पर गणना होती है, टेबल पर गणना के बाद में वो एंट्री के लिए जाता है कंप्यूटर में एंट्री पर जाता है। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पर एंट्री करने के लिए जाता है। एक ऐप है, उस ऐप को हमने आपकी LED से कनेक्ट कर दिया है। वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर एंट्री होगी, वहाँ पर रिफ्रेश होकर के आपको वो ऐप पर दिख जाएगा। तो आपके पास में रियल टाइम डेटा रहेगा। अधिक से अधिक जो अंतर आएगा वो इतना आएगा कि मतगणना कक्ष से कंट्रोल रूम तक जाने में और एंट्री में जो समय लगा उतना कम रहेगा, क्योंकि मुश्किल से 10 मिनट होगा। रुझान पत्र आएंगे या अंतिम नतीजे को रुझान आते हैं वो होंगे और अंतिम नतीजे कब तक आते हैं? अंतिम नतीजे जिसको आप पूछ रहे हैं वो VVPAT का जब गणना हो जाएगा उसके उपरांत अंतिम नतीजे रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा दिए जाएंगे। तो आपको रुझान का अंदाजा तो इस समय, जैसे आपने 12:30 बजे, इस समय तो आपको बहुत अच्छा रुझान का अंदाजा मिल जाएगा। आधा घंटे का औसत एक चक्र होता है। वहाँ पर क्या है कि जाते हैं तो